नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगता है कुछ दिनों से जो जनता है उनके प्रति अपना उनका जो रुझान है वो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। जो योजनाएं हैं उसे धरातल पे लाने के लिए आज आपको बताते चलूं कि 18 विभागों की 64 योजनाओं के बारे में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक आपको बता दूँ प्रोजेक्ट भवन में हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता चलूं कि जो प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त उन्हें पहले ही कहा गया था कि वो जितनी भी प्रगति हुई है योजनाओं की उसकी रिपोर्ट लेकर के इस बैठक में शामिल होंगे। उनका कहना था कि इस बैठक में वो लोग इस प्रकार रिपोर्ट लेके इसीलिए शामिल होंगे कितनी प्रगति हुई है योजनाओं की, और योजना कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले बताते चलूँ कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना, बाबा साहब अंबेडकर आवासीय योजना, ये सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री और भी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी सभी जिला के उपायुक्तों, आयुक्तों, संबंधित पदाधिकारी और सभी विभागों के सचिव सब मिलकर राज्य में हो रहे योजनाओं के एक समीक्षा बैठक हुई और बहुत सारी चीज़ें सुनने और जानने और उसको बेहतर करने की बातें आज इस समीक्षा बैठक में की गई है। और कितने बेहतर तरीके से कहाँ लॉन्ग टर्म, कहाँ शॉर्ट टर्म कार्य योजना बनाने हैं उनको लेकर, और आने वाले सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए आज पूरा विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। और सभी जिला पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में वो काफ़ी संवेदनशीलता के साथ काम करें और सरकार की योजनाओं को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, उनको लाभ दिया जा सके। ये योजनाएं कुछ इस प्रकार है कि मुख्यमंत्री जिस योजनाओं के बारे में आज जो चर्चा हो रही है प्रोजेक्ट भवन में, जिसमें आपको बताते चलूं, जैसे मैंने बताया कि आयुक्त और उपायुक्त को पहले ही कह दिया गया था कि वो क्या कुछ जो योजनाएं हुई हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट लेकर के इस बैठक में शामिल होंगे। और जानकारी के अनुसार आपको बताते चलूं कि मुख्यमंत्री योजनाओं को बहुत ही ज़्यादा इस बार इस तरीके से लेने वाले हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें धरातल पे दिखाई पड़े। ये योजना इस प्रकार है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री आवासीय योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, और साथ ही साथ बिरसा हरित ग्राम फोटो हो खेल विकास योजना की प्रगति की रिपोर्ट का पर भी विमर्श हो सकता है। साथ ही साथ जो चर्चाएं होंगी वो आपको बता दूँ, स्वास्थ्य विभाग में पीएम आयुष्मान, शहरी क्षेत्र में हेल्थ और वेलनेस सेंटर की जो रिपोर्ट है उन पर भी चर्चाएं होगी। श्रमिकों का निबंधन, पलायन जो सबसे बड़ी एक समस्या है राज्य के लोगों के लिए, पलायन, श्रमिकों का पलायन, उसके बारे में भी चर्चा होगी। साथ ही साथ कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रवास, जो कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवास है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री कई चीज़ें ला सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो एक और जो योजनाएं हैं वो है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के साथ ही पेयजल विभाग की जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा के साथ केंद्र में
ये सारी बातें भी रखी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि जो ये योजना है वो किस तरीके से धरातल पे आएगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 18 विभाग है उसकी 64 योजना है, जिस प्रकार से मैंने बताया कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में मैंने बताया, जिसके बारे में अभी अंदर बैठक में बातचीत चल रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये सभी समीक्षा बैठक तो हो रही है, लेकिन ये कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद क्या मुख्यमंत्री पूरे तरीके से कार्य करने के मोड में आ चुके हैं, कार्य करने की मोड इस प्रकार की, क्या झारखंड के लोगों के लिए जो योजनाएं हैं उस योजना के बारे में बातचीत वो करेंगे, और क्या वो चीज़ें धरातल पे आती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 2 वर्षों का जिस प्रकार से कोरोना काल था तो ऐसे में कई चीज़ें रुक चुकी थी, कई योजनाएं थी उसे भी रोका गया था, कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों के बारे में उनकी प्रगति के बारे में बातचीत नहीं हो पा रही थी, ऐसे में राज्य के लोगों के लिए कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न हो रही थी। लेकिन आज जो समीक्षा बैठक है तो इसमें क्या कुछ चीज़ें आगे सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा सबरंग समाचार।